मारीना संदेश लाइव। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मोहल्ला औरंगाबाद ईदगाह के पश्चिम, जहां आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप द्वारा लॉकडाउन के लगभग 15वें दिन स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वितरित किया जा रहा है गल्ला। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, हर बिरादरी के हर वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है, पात्रों तक गल्ला पहुँचाने का, राशन पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। जो स्थिति आप देख रहे हैं ये मऊ की है, औरंगाबाद ईदगाह के पश्चिम की। देख सकते हैं कि समाज सेवी मजर मेजर साहब अपने हाथों से राशन वितरित कर रहे हैं। स्थिति आप देख सकते हैं कि पात्रों को राशन वितरित किया जा रहा है। पात्रों को, सभी को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिलाएं, पुरुष, सभी को गल्ला वितरित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस को भी लगातार मेंटेन किया गया है। स्थिति आप देख सकते हैं इस समय मोहल्ला घोड़ा दलाल की बारी का है, जहां पर परेशान लोगों की मदद किया जा रहा है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप के द्वारा। आपका नाम? रघुनाथ। ये जो आप लोगों को राशन की सहायता दिया जा रहा है, अभी तक और कहीं से मिली है कि नहीं सहायता? नहीं, ये पहले लोग आए हैं। पहले। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, चाहिए जो है लोगों को जो लायक हैं। आपको मालूम है किसने आपके साथ ये सहायता की आपकी? अभी तो नहीं मालूम है, बताएंगे तब तो। आप देख सकते हैं कि ऐसे भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनको मालूम नहीं है कि किसने सहायता किया है, लेकिन उनकी सहायता हो जा रही है। जो स्थिति आप देख रहे हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप की तरफ से ये इस तरीके की सहायता किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि इस समय हम मोहल्ला घोड़ा दलाल की बारी में मौजूद हैं, जहाँ पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप के द्वारा असहाय गरीबों की सहायता किया जा रहा है इस लॉकडाउन की स्थिति में। देख सकते हैं कि तमाम ग्रुप मेंबर्स हैं, सबकी गाड़ियों पर बोरा लदा हुआ है, कि यहाँ पर भी एक एक लोगों को छांट करके दिया जा रहा है। जो परेशान हो, गरीब हो, लोग जान नहीं रहे हैं कहाँ से कौन दे रहा है, लेकिन उनके तक सहायता पहुँच रही है। पात्रों को, गरीबों को राशन वितरित किया जा रहा है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप के द्वारा। सदस्य लोग मौजूद हैं और मौके पर यहाँ मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने चिन्हित किया है कि फला फला परेशान है। जो परेशान है वास्तव में उनको देख सकते हैं कि सभी की मदद किया जा रहा है और सबको जो है राशन दिया जा रहा है। ये स्थिति है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप की, जहाँ आप देख सकते हैं कि पात्रों तक पहुँचाया जा रहा, सोशल डिस्टेंस को मेनटेन करते हुए, दूरी बनाते हुए सभी को गल्ला दिया जा रहा है। आप स्थिति देख सकते हैं कि हर एक को, जो भी पात्र है, सभी पात्रों को दिया जा रहा है बिना किसी भेदभाव के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, वृद्ध, सभी को बिना किसी भेदभाव के गल्ला वितरित किया जा रहा है, राशन वितरित किया जा रहा है, राशन सामग्री दी जा रही है। और उम्मीद की जाती है कि इस तरीके से जो भी वितरण कर रहा हो और जो लोग पैसे से मजबूत हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप का सहयोग करें, भरपूर सहयोग करें, ताकि इस तरीके की राहत सामग्री लगातार हर पात्र तक पहुंचती रहे। और उम्मीद की जाती है कि इस नेक काम में सभी इनका साथ देंगे। जो स्थिति आप देख रहे हैं ये मऊ के घोड़ा दलाल की बारी की है। हेलो, कहाँ से? जन पूछना से रुको मारे, रुको उनको, उनको रुको मारे। आप देख सकते हैं कि समाज सेवी और वार्ड नंबर 8 के सभासद पद के पूर्व प्रत्याशी अजय कुमार और मजहर मेजर साहब दोनों लोग मौके पर मौजूद हैं। मजहर हसन मेजर जो कि बसपा के नगर अध्यक्ष भी हैं, लेकिन पार्टी से ऊपर उठकर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। नवेद गृहस्थ वगैरह सभी लोग यहां पर हैं और पात्रों को देख सकते हैं कि लगातार राशन वितरित किया जा रहा है। इसमें सिर्फ नौजवान लड़के हैं जो इस तरीके के बड़े काम में सहयोग कर रहे हैं, नेक काम में सहयोग कर रहे हैं। राशन वितरण करने के बाद, राहत सामग्री वितरित करने के बाद मोहल्ला घोड़ा दलाल की बारी में हमारे बीच में मौजूद है। आपका परिचय? अजय कुमार। अजय कुमार जी, इससे पहले यहाँ पे गल्ला या राशन कुछ राहत सामग्री वितरित हुई है? नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होना चाहिए? वार्ड में सभासद की जिम्मेदारी होना चाहिए। तो क्या सभासद की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई राशन सामग्री, कोई राशन, चेयरमैन की तरफ से कुछ भी नहीं, विधायक की तरफ से कुछ भी नहीं, सांसद की तरफ से कुछ भी नहीं, कोई मंत्री वगैरह किसी की तरफ से कोई नहीं, किसी की तरफ से भी नहीं कुछ हुआ है। तो ये जो आपको मालूम है कि ये किसकी तरफ से राशन वितरित किया गया, राशन सामग्री कहाँ से दी गई है? डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप की तरफ से। तो आपको इनका काम कैसा लगा? काम बहुत बढ़िया लगा है, मलिन बस्ती है, सब बेरोजगार आदमी यहाँ है, रिक्शा ठेला
मजदूरी करने वाले। सभी पात्रों को यहाँ पर, सभी पात्रों को यहाँ राशन मिला या नहीं मिला? नहीं, सभी को मिला। सभी को मिल गया है। आप ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इस तरीके का नेक काम कर रहे हैं? इन लोग की बहुत बधाई देते हैं। अगर ये लोग चुनाव में लड़े, चुनाव लड़ जाएं आने वाली परिस्थिति में, तो क्या लगता है कि लोग जीतेंगे या हारेंगे? जीत जाएंगे। अब देख सकते हैं कि सामने यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। इंदू जी, ये बताइए कि यहाँ कोई राहत सामग्री आप लोगों को मिली इससे पहले? आप लोग भी काफी यहाँ परेशान थी, तो आप लोगों को तो किसी से उम्मीद रही हुई कोई लेकर के आएगा इस लॉकडाउन की स्थिति में? कोई नहीं लाया। जिन लोगों ने आप लोगों को सहयोग किया या राहत सामग्री उत्पन्न कराई है, उपलब्ध कराई है, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनको, उनके लिए हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारे लिए बहुत इतना ही कर दिए, बहुत है हमारे लिए। आप देख सकते हैं कि मौके पे लोगों के दिल में किस तरीके की खुशी है। जो स्थिति आप देख रहे हैं ये मऊ की है, मोहल्ला घोड़ा दलाल की बारी की। अब हमारे बीच में आप देख रहे हैं लाल मास्क में, जो बिल्कुल अलग किस्म का मास्क है, ये आदमी भी अलग है। इनका परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, मजहर हसन मेजर। आप बसपा से हैं, बिलोंग करते हैं, नगर अध्यक्ष हैं बसपा के जी। और आपको देखा जा रहा है कि आप डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप की तरफ से यहाँ राशन वितरित कर रहे हैं। मैं फाउंडर मेंबर रहा हूँ अल्लामा इकबाल व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत पहले से, और हमारे साथी हैं ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं, उधर से उनका जो काम है वो कर ही रहे हैं। अल्लामा इकबाल जो सोशल ग्रुप है इनका भी अच्छा काम रहा है, और ये मलिन बस्ती है यहाँ जो आज राशन वितरण हुआ है ये अल्लामा इकबाल व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से हुआ है। अगर देखा जाए तो अब तक लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर का इन लोगों ने राशन वितरित कर रखा है, और इन लोगों को भी सहयोग की ज़रूरत है, तब ये लोग सहयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में हम अपील कर सकते हैं शहर के लोगों से कि जो लोग अपना व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लोगों को राशन पानी दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग सोसाइटी के थ्रू अगर करें तो एक ही व्यक्ति को दो बार तीन बार कभी कभी मिल जाता है, तो ऐसा ना हो, और सोसाइटी के थ्रू होगा तो इन लोगों की बहुत बड़ी टीम है, शहर में कोई भूखा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मऊ रिलीफ कमेटी में लगभग 20 लाख रुपए का इंतजाम किया गया था राशन वितरित करने के लिए, तो क्या आपको इसकी कुछ जानकारी या आपके माध्यम से कोई राशन वितरित हुआ है? मैं मऊ रिलीफ कमेटी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इस इलाके में जो सारे इलाका मुझे जो दिया गया है अल्लामा इकबाल ग्रुप की तरफ से, मैं देखता हूँ यहाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ कोई नाम भी नहीं जानता है मऊ रिलीफ कमेटी का। मैं चूँकि जानता हूँ, मैं जिम्मेदार रहा हूँ, इसलिए हम लोगों से आप बात कीजिए, कोई नहीं जानता, कोई आया गया नहीं है यहाँ। मऊ रिलीफ कमेटी कागज़ पे है या धरातल पे है? ये तो वही लोग बताएंगे ना, मैं तो व्हाट्सएप पे देखता हूँ, व्हाट्सएप पे तो है। आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से मजहर हसन मेजर साहब अपने को बचाते हुए बात को पूरी कर लिया इन्होंने, और मौके पे पूरी टीम मौजूद है। जो स्थिति यही है आप देख सकते हैं, मोहल्ला घोड़ा दलाल की बारी की, वार्ड नंबर 8 औरंगाबाद की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।